पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार एनडीए के 17 बनाम 16 बनाम 5 बनाम 1 और 1 की लड़ाई, अब 40 लोकसभा सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़ेंगे। 40 लोकसभा सीटों में अलग अलग उम्मीदवारों को नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को फाइनल कर चुके हैं। और जदयू की पहली लिस्ट आई है। कल भारतीय जनता पार्टी की वो लिस्ट हमने आपको बताई जो संभावित लिस्ट है, जिनमें कई चेहरों को बदलने की बात कही जा रही है, तो कई जो चेहरे हैं वो फिर से रिपीट हो सकते हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इन सब के बीच में जदयू के कुछ सीटें और कुछ चेहरों को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हैं कि इन चेहरों को दोबारा मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये चेहरे पर कितने ज़्यादा विश्वसनीय जनता जो है वो वोट करेगी, नरेंद्र मोदी को 40 लोकसभा सीटों पर बिहार में जीत मिलेगी, या फिर जो सर्वे आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बातें हो रही हैं कि 35 से 32 सीटों पे इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में जीतेगा, बाकी जो सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इन सबको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने जहाँ एक तरफ बिहार पर पूरा अपना ध्यान आकृष्ट कर दिया है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार दिल्ली से लौटते हैं, फॉर्म में आ गए हैं, अपने सभी सांसदों को बुलाकर अपने आवास पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये गुप्त बैठक है और इस बैठक में जदयू को जो 16 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी में सांसदों को कितना भरोसा है कि वो जीत पाएंगे, क्या रणनीति इस बार बनेगी कि 16 की 16 सीटें जीत जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत कायम की थी, क्या इस बार भी 16 लोकसभा सीटें जदयू के सांसद जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया है। नीतीश कुमार से अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है, यानी कि ये जो सांसद हैं एक साथ बैठक नहीं किए हैं, सभी सांसद एक एक करके नीतीश कुमार के पास गए हैं, 1-to-1 मुलाकातें हुई हैं, 1-to-1 बातें हुई हैं, कई रणनीतियां बनी होंगी। जदयू को जो सीटें मिली हैं उन सीटों में एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि भागलपुर, जहानाबाद, सुपौल, वाल्मीकि नगर, मधेपुरा, गोपालगंज, कटिहार, बांका, नालंदा, सिवान, मुंगेर, झंझारपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, किशनगंज और शिवहर है। ये 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों पर नरेंद्र मोदी को बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जिताना है और 40 में 400 के पार वाला आंकड़ा जो है वो देना है। ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कितना ज़्यादा भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर जताएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सांसदों ने एक एक करके मुलाकात कर सब कुछ फाइनल कर लिया है। देखते हैं पहले चरण के चुनाव में क्या होता है, परिणाम 4 जून को आएगा, उसका भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।